आज की तारीख में जिस तरीके से हर कोई पत्रकार बनकर फिर रहा है, ठीक वैसे ही मेलों में टैटू आर्टिस्ट घूम रहे हैं। मेले अभी शुरू हुए भी नहीं कि आपको कदम कदम पर टैटू आर्टिस्ट नजर आ जाएंगे। दरअसल इसका लाइसेंस पाने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जैसे पत्रकारिता के लिए पढ़ाई जरूरी होती है पत्रकारिता की, और अलायंस ऑफ प्रोफेशनल टैटूइस्ट्स ने इसकी कुछ सुनिश्चित योग्यताएं बताई है। वैसे टैटू बनाना एक आर्ट है, लेकिन ये किसी के शरीर से जुड़ा हुआ मसला है। टैटू बनवाने को आप माइनर ऑपरेशन भी कह सकते हैं, इसलिए इसमें जिम्मेदारी और खतरा दोनों बढ़ जाता है। भारत में टैटू बनवाने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई हैवी दवाई खा रहे हैं तो भी आप टैटू नहीं बनवा सकते हैं। इसके अलावा और कई मापदंड है, लेकिन अगर आप मेलों में इन दिनों टैटू आर्टिस्ट के पास जाएंगे तो ये आपसे कोई जानकारी नहीं लेंगे, बस आपका हाथ पकड़कर मशीन घुमाना शुरू कर देंगे। आपकी और उनकी लापरवाही से आपको HIV एड्स हो सकता है, पुरानी नीडल यूज करने से वायरस का आदान प्रदान हो सकता है, जिससे HIV, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जैसी बीमारियां हो सकती है। घटिया किस्म की इंक यूज करने से भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है, एक्सपायरी डेट की इंक और कलर आपको परेशान कर सकता है। इतना ही नहीं, ज़्यादा प्रेशर से काम करने की वजह से टैटू वाली जगह पर जख्म हो जाता है, जिसमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको ये भी बता दें कि टैटू बनवाते वक्त इतनी सफाई होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी भी वहाँ पर ना उड़ रही हो, जबकि ऐसे टैटू आर्टिस्ट खुली धूप में गंदा कपड़ा यूज करते हैं, कभी कभार तो सरसों का तेल भी लगा देते हैं। इसलिए ध्यान रखें, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड या लाइव करने वाला हर कोई पत्रकार नहीं होता, और हाथ में टैटू वाली मशीन पकड़कर हर कोई टैटू आर्टिस्ट नहीं होता। अपना बेहद ध्यान रखें। नमस्कार।